नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आपके कई बार फोन कॉल्स रहे हैं मेरे पास, मैसेज रहे हैं आपका। कई बार कल भी कई लोगों के फ़ोन आए थे कि एक वीडियो 5 किलोवाट के जो सोलर सिस्टम है MPPT PCUN एक्सेस कंपनी का, उस पर लोड चला के वीडियो दिखाओ सर, जिसपे हम समझ पाए कितना लोड ले रहा है। तो दोस्तों आज मैं दिखाऊंगा वीडियो में, जैसा आप देख रहे हैं एक एयर कंडीशन ट्रेटर का आप मेरे पीछे देख रहे हैं, 4-5 पंखे और इनका लोड चला के, घर की लाइट, घर का लोड है उसको चला के आपको मैं 5 किलोवाट के सिस्टम पे दिखाऊंगा। और इसको कैसे इंस्टॉल किया जाता है सिस्टम को, इसकी वीडियो में ये भी बताऊंगा मैं कि इसको कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं आप स्वयं अपने घर पर परचेज कर कर, आप कैसे लगा सकते हैं, पैनल के कनेक्शन कैसे करने हैं और क्या बैटरियों पर ये अवेलेबल है और कितना लोड ले गए, कितना लोड दिखाता है PCU में और कैसे कैसे कनेक्शन करने हैं। इस वीडियो में आप अंत तक रहिए दोस्तों। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं, अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी एयर कंडीशन चल रहा है दोस्तों, 17 डिग्री सेल्सियस पर एयर कंडीशन चल रहा है। ये आपका डेटन का एयर कंडीशन है, अब देखें इसका स्टिकर इधर लग रहा है, डेटन का एयर कंडीशन है ये चल रहा है। अब आप देख रहे हैं ये पंखा भी चल रहा है, इधर लाइट जल रही है इस कमरे से। अब हम दूसरे कमरे में चलते हैं, ये बाहर कर आउटर AC की फिटिंग करा रखी है मोटा तार होने की वजह से, क्योंकि डेटन का है ये AC और इन्वर्टर AC है 3 स्टार में। और अभी आपको दिखाऊंगी, ये देखिए पंखा ये बाहर हॉल में चल रहा है, इधर किचन की लाइट भी जल रही है और ये बराबर वाला रूम है इसकी भी लाइट जल रही है। और आप देख रहे हैं जैसा कि ये इस दूसरे रूम का भी पंखा चला दिया गया है, आप देख रहे हैं पंखा चल रहा है इसका भी, आपको वॉइस भी आ रही होगी। और मैं अब जहाँ सिस्टम लगा हुआ है वहाँ जाता हूँ, क्योंकि अब इस पर कितना लोड आता है इसके आता है दोस्तों। अब मैं दिखाता हूँ आपको आज इस वीडियो में आपको दोस्तों इसके कनेक्शन करने भी दिखाऊंगा मैं, क्योंकि लाइव वीडियो बना रहा हूँ। आप देख रहे हैं वायरिंग, वो AC वाली जो बताया था मैंने बाहर से आ रही है वो वीडियो, वो वायर है ये आप देख रहे हैं। और मैं जीने से नीचे उतरता हुआ आपको अभी नीचे इसी सिस्टम पे, नीचे लाइट है, नीचे हॉल, नीचे मंजिल पर इसमें कूलर है छोटा, ये छोटा कूलर चलाते हैं दोस्तों। अब आप देख रहे हैं ये लाइट जली रही है नीछे, दो आपका एक पंखा चल गया है छत वाला नीचे हॉल में भी, और एक आपका ये वाला तूफान पंखा और चलाते हैं, ये वाला तूफान पंखा आपका चला दिया, तूफान पंखे के तार लगा दिए और ये छत पे पंखा चल ही रहा है। ऊपर आपने देखे 3 पंखे ऊपर चल रहे थे, लाइट जल रही थी, इसके तार हल गए, छोटे वाले पंखे को और चलाता हूँ मैं, देख रहे हैं जैसा कि चल गया, ये पंखा भी चल रहा है दोस्तों आप देख रहे हैं। और ये कूलर चल रहा है दोस्तों आप देख रहे हैं, ऊपर एक पंखा हो गया ये वाला जो आपने देखा लाइट्स। और अब मैं लेके जाता हूँ दोस्तों आपको इसके इन्वर्टर के बराबर में, इस इन्वर्टर के डिस्प्ले पे दिखाता हूँ दोस्तों कितना लोड चल रहा है, क्योंकि मेंस नहीं है फिलहाल, सोलर इस पर कम है तो इसकी क्या कंडीशन है, कितना लोड दिखा रहा है देखिए, दिखा रहे हैं दोस्तों ये 9 एम्पीयर का लोड चल रहा है आप देख रहे हैं। जैसा कि बैटरी चूँकि अभी सोलर है नहीं, बिजली है नहीं और सोलर अभी इस पर थोड़ा कम लगा हुआ है, तो बैटरी के एम्पीयर दिखा रहा है ये, ये स्मार्ट मोड पे लगा रखा है फिलहाल। आज आपको इसको पूरा आप आसानी से देख सकें, समझ सकें, इसके कनेक्शन मेंस नहीं है, आप देख रहे हैं 0 दिखा रहा है, जैसा कि बिजली का कोई सपोर्ट नहीं है इसे। आउटपुट जो दे रहा है 214 वोल्ट दे रहा है, 9.3 एम्पीयर का लोड चल रहा है सिस्टम पर। और सोलर चार्जिंग है इस पर, सभी थोड़ा जो पैनल है सिर्फ यहाँ अभी लगभग 1 किलोवाट पैनल का सपोर्ट दिया गया है इसको, पर चूँकि अभी सुबह सुबह चार्जिंग अभी शुरू नहीं, बाद में पैनल बढ़ा लेंगे सिस्टम पर। तो इस पर लोड की वीडियो दिखाना था दोस्तों मुझे आपको, जैसा कि आप देख रहे हैं
तो दोस्तों अब आपको मैं बताऊंगा कनेक्शन कैसे करने हैं। देखिए सोलर पैनल के कनेक्शन कैसे करने हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है और लोगों को दिक्कत आती है, तब लोग समझ नहीं पाते पैरेलल कनेक्शन कैसे होते हैं और सीरीज कैसे होती है। जहाँ हम MPPT PC ले रहे हैं दोस्तों, तो वहाँ हमें सीरीज में कनेक्शन कर रहे हैं, तभी उसका ज़्यादा फ़ायदा हमको मिलेगा। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा सीरीज में कनेक्शन कैसे होते हैं, पैरेलल में कैसे होते हैं कनेक्शन। तो इस वीडियो में आप जरूर अंत तक रहिए और देखिए, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, महत्वपूर्ण जानकारी है। देखिए दोस्तों मैं आप दिखा रहा हूँ आपको, जैसे मैं ये कनेक्शन में आपको दिखा रहा हूँ, ये सीरीज में कनेक्शन है। तो सीरीज में चार पैनल के दिखा रहा हूँ मैं अपने, चार एक पैनल का प्लस निकला माइनस निकला, तो प्लस में इधर का माइनस जोड़ दिया, फिर इधर प्लस आया इसका माइनस में जोड़ दिया, इधर फिर प्लस आया माइनस में जोड़ दिया, एक तरफ प्लस आ गया एक तरफ माइनस आ गया। तो ये हो गया दोस्तों सीरीज में कनेक्शन, चार पैनल की सीरीज बन गई। चूँकि इस PCU की जो 48 वोल्ट PCU है 5 किलोवाट का, इसकी VOC 180 होती है, 96 वोल्ट में भी आता है इसमें, उसकी VOC ज़्यादा होती है, उस पर हम अब 5 पैनल की भी सीरीज बना सकते हैं, पर इस पर मैक्सिमम 4 या 3 पैनल की हम सीरीज बनाएं। अब मैं आपको दोस्तों दिखा रहा हूँ जैसे पैरेलल कनेक्शन, ये पैरेलल बस समझाने के लिए दिखा रहा हूँ। पैरेलल ऐसे होते हैं, सारे प्लसों को एक जगह कर दो, सारे माइनस को एक जगह कर दो, तो ये पैरेलल कनेक्शन हो जाते हैं। तो दोस्तों हमें ज़्यादातर MPPT जो PCU है उसमें पैरेलल कनेक्शन नहीं करने, सीरीज में कनेक्शन करने हैं। अभी जैसा मैं बता रहा था यार, इस सिस्टम पर थोड़ा पैनल कम लगा हुआ है, 4 पैनल लगे हुए हैं सिर्फ, तो ये 4 पैनल का ही मैं दिखा रहा था आपको, सिस्टम पे 4 पैनल है सिर्फ, 4 पैनल कनेक्शन है। अगर आपके पास 12 पैनल के साथ है या 8 पैनल के साथ ले रहे हैं, तो आप उसी हिसाब से कनेक्शन कर सकते हैं। मैक्सिमम 4-4 पैनल की आप सीरीज बना लें, 3, या आपने 3 सीरीज बना ली 4-4 पैनल की, या 3-3 पैनल की बना लें तो आप 4 सीरीज बना लें, तो आपने अपने ज़रूरत के हिसाब से अपने उसके हिसाब से बना लिया, उससे ज़्यादा पैनल ना लगाएं। 4 पैनल से ज़्यादा होगी तो VOC ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि इस पैनल की जो नेक्सस का बायोफिशियल पैनल है, इसकी 48 VOC है एक सिंगल पैनल की। तो इसी आधार पर दोस्तों आपको कनेक्शन करने प्लस देखते हुए, क्योंकि मेन कनेक्शन का भी बड़ा एक सिस्टम में होता है, कनेक्शन ढंग से नहीं हो पाते तो सिस्टम में रोज़ शिकायतें रहती हैं, रोज़ समस्याएं रहती हैं, जनरेशन पूरा नहीं दिखाता है। तो हमेशा ध्यान रखें, आपने 3 सीरीज बना ली 3-3 पैनल की, या 4-4 पैनल की आपने 3 सीरीज बना ली जैसे दोस्तों, तो अब उनके आपको 3 प्लस मिल गए 3 माइनस, या 3 प्लस मिले आपको तो 3 प्लसों को एक जगह कर लें, और 3 माइनस मिले उन 3 माइनसों को एक जगह कर लें, और एक जगह करने के बाद में उस तार को पीछे लेकर आएँ आप इन्वर्टर के पीछे। जब आप इन्वर्टर के पीछे लेकर आएंगे उसे, तो इन्वर्टर के पीछे जहाँ सोलर का अभी अब मैं दिखाऊंगा अभी इसमें वीडियो में आगे, तो इन्वर्टर के पीछे ऑप्शन होता है जहाँ सोलर के तार लगने हैं, और सोलर के प्लस में प्लस और माइनस में माइनस ये लगाना है दोस्तों। लेकिन पहले ध्यान रखें दोस्तों, पहले सिस्टम को हमें बैटरी से ऑन करना है। तो ये चूँकि 48 वोल्ट सिस्टम है, इसमें 4 बैटरी लगेंगी, तो हम 4 बैटरियों को प्लस माइनस बनाते हुए, एक का प्लस दूसरे के माइनस में, एक का प्लस दूसरे के माइनस में, तो एक तरफ प्लस आ जाएगा एक तरफ माइनस, उसको जोड़ के इन्वर्टर में पहले आपकी MCB बैटरी वाली उठा देंगे और सिस्टम को चालू कर देंगे। उसके बाद में हम सोलर के जो तार हैं हम बना रहे हैं, अभी सीरीज बनाई है हमने 3 सीरीज, उनके जो तार आ रहे हैं तो वो हम अब सिस्टम के PCU के पीछे लगा देंगे, उससे PCU का वो बन जाएगा। उसके बाद में आपका कहाँ आउटपुट के तार लगाने वो भी दिखाऊंगा दोस्तों। मैं थोड़ा सा मोड के बारे में और बताऊँ, मैं अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जैसा कि स्मार्ट मोड होता है PCU में, एक हाइब्रिड मोड होता है और एक PCU मोड होता है दोस्तों। इसका मतलब क्या होता है, कन्फ्यूजन यहाँ भी रहता है, जहाँ बिजली बहुत कम है और बिजली आपको प्योरिटी पे रखनी है कि बिजली 2 घंटे 4 घंटे आ रही है 5 घंटे और उसकी पूरी चार्जिंग हमें मिल जाए, हम बिजली भी दे रहे हैं सिस्टम को, तो वहाँ लोग इसको स्मार्ट मोड पे रखते हैं। स्मार्ट मोड PCU स्मार्ट मोड पे मतलब होता है कि अब बिजली को प्राथमिकता देता है वो। हाइब्रिड जो है, अगर हमें सोलर सिस्टम पूरा सोलर है और हम बिजली का बिल कम कर रहा है दोस्तों, तो हम हाइब्रिड मोड पर अपने PCU को रखें। आप जैसा कि पीछे देख रहे हैं, एक MCB आपको बैटरी के लिए है, तो उसमें बैटरी वाले दोनों तार लगा दिए, एक सोलर के लिए है उसमें सोलर के प्लस माइनस जोड़ दिया, और एक आप देख रहे हैं कि उसके पीछे आउटपुट के लिए है, और एक मेंस जहां आपको बिजली देनी है उसके लिए दोस्तों। तो आप उस हिसाब से कनेक्शन कर सकते हैं बड़ी आसानी से। और आपने ये देखा, एक बाईपास का बटन था पीला, आपने देखा वो पीले बटन से आप बाईपास घुमा सकते हैं अपना, जहां आपको बिजली का ख़राब होती है उस कंडीशन में, मतलब सिस्टम अगर आपका डेड हो गया और आपको डायरेक्ट बिजली लेनी है तो बाईपास का यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मली बाईपास का यूज़ नहीं करना है। ये सिस्टम मैंने 48 वोल्ट में था दोस्तों, 4 बैटरी के साथ था। इस पर अभी फिलहाल तो 4 पैनल लगे हुए थे जिस साइड में मैंने आपको वीडियो दिखाई है, लेकिन इस पर आप अपना 8 या 12 जैसे आपकी ज़रूरत है पैनल लगा सकते हैं। मैक्सिमम 3-3 पैनल की सीरीज, या 4-4 पैनल ज़्यादा से ज़्यादा, 4 पैनल बायोफिशियल के अगर आप लगा रहे हैं, 4 पैनल से ज़्यादा की सीरीज ना बनाएं, क्योंकि फिर इसकी VOC सिस्टम की क्षमता से ज़्यादा हो जाती है। तो इस पर आप 4-4 पैनल की सीरीज बना लें दोस्तों, अपने कनेक्शन आपको मैंने बता दिया, ऊपर से कर लें आराम से, और आप अपने आप स्वयं कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। चूँकि आप अपने आप स्वयं सीख जाएंगे तो आपको बार बार की समस्याएं और दिक्कतें ख़त्म होती रहेंगी, क्योंकि सिस्टम आपका है, आपको लगाना है, आपको चलाना है, तो आपके दिमाग में सारी चीज़ें होनी चाहिए।
तो इसको इंस्टॉल करना बहुत आसान है दोस्तों। जैसा मैंने समझाया, बहुत आसान भाषा में आपका आसान भाषा का प्रयोग करते हुए आपको समझाने की कोशिश की है। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो और आपकी समझ में आई हो, तो कमेंट्स में कृपया करके मुझे लाइक करें और उससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। मैं कोशिश करता हूँ अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए बनाऊँ। और अगर आप दोस्तों मेरे चैनल पर अभी नए हैं, आपने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इस चैनल पर सोलर संबंधित वीडियो लाता हूं। आपकी अगर कोई सुझाव हो, आप चाहते हैं कुछ मैं और वीडियो आपके लिए बनाऊं किसी और टॉपिक पर, तो प्लीज़ आप कमेंट्स में लिखें, मैं उसी टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो आपको दूंगा। आप मेरी वीडियो में अंत तक रहे, उसके लिए आपका बारंबार धन्यवाद।